मैंने 7 साल पहले एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया था और वो बच्चा अभी 15 अप्रैल को रेनबो ब्रिज पास किया है। अभी कुछ अर्ली साइंस होते हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सके कि आपका बच्चा, आपका वॉइसलेस एनिमल बीमार है, टर्मिनली इल है और टुवर्ड्स डेथ मूव हो रहा है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो वो बच्चा बच सकता है। जैसे ये ब्राउनी है, एक ट्रैम्बल करती थी, ये ओबीज थी थोड़ी सी, इसको हाइपोथायरॉइड डिटेक्ट हुआ था लेकिन हमें पता नहीं चला है। ये इसका एकदम से किडनी फेल हो गया, इसका क्रिएटिनिन लेवल 19 आया था और इलाज चला इसका, फिर वो 17 आया, फिर 21 आया पर उससे नीचे नहीं आया और अल्टीमेटली हमें यूथनाइज करना पड़ा इसे, बिकॉज ये बच्ची ब्रीदिंग करने में भी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इसे और ये चल भी नहीं पा रही थी और यूरिन भी करती थी और करना चाहती थी तो हमें बता नहीं पाती थी और फिर एकदम से कर देती थी। तो वो बच्चे ने कभी घर में सुसु नहीं किया और अभी इस हालत में उसको पता नहीं कैसा क्या लग रहा होगा। तो जो अर्ली साइंस होते हैं वो है, जैसे बच्चा ट्रैम्बल कर रहा है, ऐसे ये शेक कर रहा है, आप सोचोगे शायद एक्साइटेड है बट नहीं, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी का, लिवर का, थायराइड का, उसको ठंड लग रही हो, वो कूल अपना टेम्परेचर मेंटेन ना कर पा रहा हो, कूल होती हो उसकी बॉडी तो वो हीट सीकिंग प्लेसेस में जाएगा। इसके अलावा खाना कम हो जाएगा एकदम से, या तो बंद कर देगा या धीरे धीरे उसकी जो डाइट की डोसेज है वो कम होती चली जाएगी। इसके अलावा जो डेली वॉक्स है, डेली वॉक्स में भी वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और अगर जाएगा भी बच्चा तो थोड़ा सा ही चलेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, लिम्पिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा हैवी पेंटिंग हो सकती है और क्योंकि नाक से सांस नहीं आ रही तो मुंह से सांस लेते हैं। मैंने आपको इसी चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगी और ये सारी सिम्टम्स हैं जो एक दिन में नहीं आएंगे, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 15 डेज, 10 डेज आए। फिर आप कोशिश कीजिए कि बच्चा सॉलिड फूड से कहीं लिक्विड फूड में तो नहीं आ गया, मान लो उसने किबल्स वगैरह छोड़ दिए हो, डॉग फूड पेडिग्री वगैरह है ना, और छोटी छोटी सॉफ्ट फूड्स जैसे पनीर, एग, ग्रेवी इस पे आ गया है, यानी कि अगेन उसको एनर्जी नहीं चाहिए जीवन के लिए, इसलिए वो टुवर्ड्स, उसको एनर्जी तो चाहिए नहीं टुवर्ड्स डेट जा रहा है, तो वो सॉलिड से सॉफ्ट डाइट पे, लिक्विड डाइट पे, वाटर पे एंड देन नो फूड पे आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है जो पानी पीने का उसका है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो रहा है, किडनी या लिवर काम नहीं कर रही है या अंदर ही कैंसर या ट्यूमर है तो वो यूरिन ज्यादा करेगा, फ्रीक्वेंटली करेगा बच्चा, और इसके अलावा पानी इनटेक भी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। और जो उसकी एक्टिविटी है, मान लो उसको एक चीज पसंद है बहुत, उसके प्रति भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक चीज उसे बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे इसको मेरी मेड बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसको न्यूज़पेपर वाला नहीं है बस बिल्कुल नहीं पसंद है, तो शी यूज टू बार्क, शी यूज टू टेल कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर और हु आर यू और व्हाई आर यू कमिंग हियर, बट शी स्टॉप्ड शोइंग इंटरेस्ट इन दैट ऑल्सो। तो दीज आर सम टेल टेल साइंस दैट योर डॉग इज इल, शी इज गिविंग यू सिम्टम्स और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इनकी मंथली नहीं तो साल में एटलीस्ट एक या दो बार इनका ब्लड टेस्ट कराइए, सीबीसी कराइए, KFT किडनी लिवर फंक्शन, LFT कराइए, आप चेक कीजिए उसको, टिक फीवर तो नहीं है, PCR, डिस्टेम्पर तो नहीं है क्योंकि शेकिंग भी थी, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जनरली क्या होता है ये साइंस अननोटिस जाते हैं और जब एकदम लास्ट स्टेज होती है, स्टेज 3 स्टेज 4 जहां पे एक कंडीशन रिवर्सिबल भी नहीं है और मैनेजेबल भी नहीं है एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ, तो ये वहां तक जाती है। तो हाँ, बच्चा मेरा मैं आपको दिखाऊंगी कितना हेल्दी था, इवन एट स्टेज 4 हमें पता नहीं था कि इसका क्रिएटिनिन 19 है बिकॉज एक्टिविटी बहुत थी, बहुत एक्टिव था, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इसने लूज कर दिया था, जैसे मैंने कहता है फेवरेट चीजों में, हेटफुल चीजों में, वॉक्स में थोड़ा नौटंकी करता था और हमने सोचा इसलिए कर रहा है कि शायद मोटू है, ओबीज है, डज नॉट वॉन्ट टू यू नो डू एनीथिंग, खाना छोड़ देता था, वॉमिट करते हैं,
ब्लडी स्टूल या ब्लडी यूरिन हो सकता है, मतलब यूरिन में ब्लड या पॉटी में ब्लड हो सकता है, वॉमिट कर सकते हैं, वॉमिट में हो सकता है सिर्फ सलाइवा हो येलो या व्हाइट कलर का, घास खाते हैं, घास खाने के बाद वही कर रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो ये वॉइसलेस एनिमल्स बोल नहीं सकते, बट हमें इनको समझना चाहिए, पिकअप करना चाहिए। और कई बार मुझे लगता है कि शायद हमने यूथनाइज करा की गलती करी, बट मुझे लगता है नहीं करी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नहीं चल सकता था, वो और तड़पता, उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से अलग होना चाहती थी लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। और हमने सोचा था कि संडे तक वेट करेंगे लेकिन फ्राइडे को ही सब हो गया। मे बी बच्चे ने प्लान किया हो अपना कि मैं ऐसे जाऊंगा, उस टाइम पे भी कितने लोग उसके आसपास होंगे, मतलब मैं थे और हम एक लोग थे, तो मे बी शी डिसाइडेड कि मैं इन लोगों के बीच में ही जाऊंगा, रेनबो ब्रिज क्रॉस करूंगा, आफ्टर लाइफ में जाऊंगा, और वरना तो सिचुएशन कुछ और होती। बट शी डिसाइडेड एवरीथिंग कि ऐसे जाऊंगा वैसे नहीं जाऊंगा। और इतना बच्चा बदमाश था, रोता भी था, बोलने की कोशिश करता था, बट क्योंकि बोल नहीं सकता तो हमें समझना है। तो आप जितना इनके साथ लाइफ रखते हैं, गुजारते हैं, उस गुड मेमोरीज को चेरिश करें, बिकॉज दे आर मास्टर्ड इन अनकंडीशनल लव, जो इंसान मास्टर्ड नहीं कर सकता। हम जानते हैं हमारे में जेलसी है, झगड़ा है, हेट्रेड है, इतना है, बट एनिमल्स डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ अनकंडीशनल लव। इवन जब वो हॉस्पिटल में गई, क्लिनिक में गई, शी डजंट नो दैट शी इज गोइंग टू बी यूथनाइज्ड और शी इज गोइंग टू गेट ट्रीटमेंट। और सबसे बुरा उस डॉक्टर के लिए है जिसको ऐसा करना पड़ता है, वो भी तो बेचारे ट्रॉमा में जा रहा है, वो तो शुक्र वो लोग सुसाइड नहीं कर रहे, बट इट्स जस्ट सो पेनफुल एंड सो इमोशनल कि मुझे बच्चे को देखते ही पता चल रहा है कि मेरा फूल जैसा बच्चा मुरझा गया और हम इसको बचा नहीं पाएंगे। तो आप लोग अर्ली सिम्टम्स का ध्यान रखिए और जो मूवमेंट्स उसके साथ बताते हैं उनको चेरिश करें। और ब्राउनी, अगर तुम्हें ये वीडियो मिलती है तो जस्ट नो दैट बेबी मम्मी लव्स यू, वी लव यू, एंड समटाइम्स वी हैव गिल्टी फीलिंग्स, वी डन एनीथिंग रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव अस, डू कम बैक, वी आर योर होल फैमिली, डू गिव मी सिग्नल्स, कम इन माई ड्रीम्स। आई स्टिल बिलीव कि तुम्हें सामने बैठे और मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई स्टिल मिस यू, हमारा जो रेगुलर रूटीन है, बॉक्स का, खाने का, टीवी देखने का, सब डिस्टरप्ट हो गया है। मुझे अभी भी लगता है तुम यही बैठे हो और तुम बो बो कर रहे हो, तुम इतने शैतान और नॉटी थे। ब्राउनी मम्मी मिसेस यू। ऑल्सो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि स्टेरलाइज थी, न्यूटर्ड थी, और वो भी विदाउट पीरियड्स हो गई थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिना, तो क्वाइट पॉसिबल उसमें जैसे उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत हो गई हो, सिस्टिस हो गया हो, कोई वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। कई बार जब सुसु करती थी तो अपने पैर अपने सुसु में डिप कर लेती थी, तो उससे हो सकता है कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया उसकी बॉडी में घर कर गया और पूरा इन्फेक्शन हो गया, जिसको फैलने में बहुत टाइम लगा और डिटेक्ट होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले इसका ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया था, क्रिएटिनिन 1.4 आया था, सिर्फ हाइपोथायराइड डिटेक्ट हुआ था, सीबीसी ब्लड सेल्स प्रेटस एवरीथिंग वाज ओके, हीमोग्लोबिन परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये हीमोग्लोबिन भी इसका कम होने लगा, एनेमिक होने लगी, और यूरिया बहुत बढ़ गया था, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया था। तो हमें चेकअप करा देना चाहिए, छोटे छोटे टेलिक साइंस होते हैं इनके, और खुद से सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, तुरंत वेट पे ले जाना चाहिए, अच्छे वेट पे ले जाना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। ये नहीं कि बच्चा रिकवर हो सकता है तो उसको बोल दे कि नहीं आप इसको मार दो, या रिकवर नहीं हो सकता तो आपको बुद्धू बनाता रहे और ट्रीटमेंट के पैसे लेते रहे और उसको पता है ये रिकवर तो होगा नहीं। तो यू नीड टू ट्रस्ट, बिल्ड रिलेशनशिप, एंड वी मिस यू ब्राउनी। इसके बल्कि मदर भी है, ये देखिए इसकी मदर है, ये चीकू, शी इज 10 to 11 ईयर्स ओल्ड अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने तो सड़क से अडॉप्ट किया था तो अंदाजा नहीं है मुझे एग्जैक्ट एज का, बट एंड दिस वॉज दिस ईयर इट वॉज हर लास्ट बर्थडे, और बर्थडे के दिन भी बहुत शांत थी, तो आई नी हूँ कि दे मे नॉट बी नॉट द बर्थडे ऑफ हर, आई डोंट नो ये साल कैसे बीत गए, नाउ वी जस्ट मिस हर। एंड इफ यू थिंक that you are grieving,
you are in grief, then that is normal. And if you think that another pet can help you overcome the grief, fill the void, of course, वो replace नहीं कर सकता, it is not a replacement. But शायद आपको थोड़ा फिर से हंसा दे, because they are just master of unconditional love. They are with you in your ups and downs. इन बच्चों ने मुझे इतना बचाया कि किसी stranger को घर में नहीं घुसने देते थे. I was so vulnerable and I felt protective. I was under their safety. And always adopt, do not buy, adopt. Give a chance to life because someone needs home. And a forever home. A forever loving family. I used to take her to clinic. Mera time bhaga hua tha. Daily 3-4 ghante ka. अब जब से इसकी डेथ हुई है आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मेरा तो टाइम टेबल फिक्स था कि बच्चे को लेके जा रहा है और वापस आ रहा है. आई डोंट यूज टू ईट बिकॉज आई वाज लाइक शी नीड्स माय असिस्टेंस. उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी. नाउ सो मच ऑफ स्पेयर टाइम एंड इन हर एब्सेंस आई डोंट नो व्हाट टू डू. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस, सो दैट इफ एनीवन एल्स कैन help save their baby, their pet, daughter or son, maybe it may be useful to you. Because sometimes symptoms are visible only at the stage of 3 and 4, and sometimes there are very subtle symptoms, and sometimes they don't even give any symptoms or signs. They want to just suffer in silence, and I don't understand why. We are their family, they can tell anything. And the problem is, because I have another dog and she was her mother, she is her mother, तो अब उसको भी उसकी एब्सेंस नहीं सूती होगी. एंड बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, शी माइट बी वेटिंग कि वो वापस आएगा, बट वो आया नहीं. उसकी बॉडी बरी हो गई, मेरी आंखें उसकी फिजिकल फॉर्म को फिर से देखने के लिए तरसती हैं, मेरे कान उसके वॉइस सुनने को तरसते हैं. बट हम जाते हैं कई वक्त पे, क्योंकि पूरा रूटीन वही है, तो कई बार लगता है वो उधर है, वो उधर है. अभी इधर होता तो ये शैतानी कर रहा होता, बदमाश बहुत था. एक्चुअली थी, मैं था बोल रही हूँ, ब्राउनी. ओके, बाकी इसके अलावा हम अब जो मैं करती थी और करती आ रही हूँ, और शायद यही इसका एक जर्नी का एक सोल मैसेज था मेरे लिए. इसके इन लोगों के जरिए मैंने, चीकू और ब्राउनी के जरिए मैंने, आई डोंट नो कितने अनगिनत एनिमल्स की हेल्प करी और करती रहूंगी और कर रही हूँ. मैं भी शायद यही इसका जर्नी था बताने का कि मम्मी यू नो फॉरगेट टू लेगेड पीपल एंड फोकस ऑन फोर लेगेड पीपल. तो अभी मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है एंड आई विल गो आफ्टर दिस वीडियो. I'll fill the water bowls for other stray and street animals, community animals. जिसको जिस जरूरत है medical aid की मैं वो दूंगी. Okay.